नमस्कार, विराट की बघेली बुलेटिन में स्वागत है अपना पंजन के प्रियंका के साथ। सतना के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के नियरे सर्किट हाउस चौराहा के पास शुक्रवार का सवेरे एक ट्रक वाला स्कूटी सवार महिला का ठोकर मार दी, जेके चलते ओकर दर्दनाक मौत हो गए। महिला के नाम सजनी खरे बतावा जा लाग है, जो झंकार टाकीज के लगे राहत रही और बिरला में टीचर रही। घर से स्कूल जाए खातिर निकली रही, पुलिस मार्ग कायम कर रही थी। बुलेटिन की दूसरी खबर ही, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सतना के सिमरिया चौराहा में 63 करोड़ रुपया के लागत से बने फ्लाईओवर के वर्चुअल उद्घाटन करें, जौने माँ अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर उद्घाटन भा, यहीं से एक नाम अटल बिहारी वाजपेयी फ्लाईओवर रखे के ऐलान करें। अपना को बताई कि यह फ्लाईओवर 6 साल से बनत रही, जौन अब भरे माँ पूरी भय ही, और यह रास्ता में बहुते ट्रैफिक राहत रहा, जौने से यहाँ आए दिन सड़क दुर्घटना होत रही। लोकार्पण कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल, सतना सांसद, कलेक्टर और SP के साथ है अन्य जनप्रतिनिधि और आम जनता मौजूद रही। हृदय से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री। सामने देखिए, सामने देखिए, अरे पकड़े रहिए दादा, तो हाथ दिखा रही, पकड़े रहिए। अरे जब कहिए मोहन दादा बोला पापी जी बाबा चलो। बुलेटिन के तीसर खबर सतना से ही, जहां जिला के नवागत जिला कलेक्टर अनुराग वर्मा संवेदनशीलता दिखाए के वार्ड क्रमांक 37 मां बंधक बने 20 परिवारन के चेहरा मां मुस्कान वापस लाए। तहसीलदार BK मिश्रा, अतिक्रमण अधिकारी और नगर निगम के दस्ता पहुंच के साहू मोहल्ला मां 12 फीट रास्ता का साफ करें। रास्ता में बनी दीवार, तार के बारी और झाड़ झंकार का रास्ता से हटाए के साफ करें ही, और दोबारा रास्ता बंद करे पर FIR दर्ज करे के बाद कह के दंडात्मक कार्यवाही करे के भरोसा दिए नहीं। शासन और प्रशासन को धन्यवाद देते हैं कि हम गरीब परिवारों का रास्ता खोल दिए, पैसा डाले तो भी रास्ता हमारा बंद कर दीजिए। छोटे छोटे जो कर दिया था, छोटे छोटे बच्चे स्कूल तक जाना बंद कर दिए थे। हम लोगों के पास वो मजबूरी आ गई थी कि एक छत से दूसरे छत, दूसरे छत से तीसरे। बुलेटिन के चौथी खबर ही, जहाँ नादन देहात थाना क्षेत्र में भारी तादाद में शराब की खेप पकड़ी गई है, केहू से मिली सूचना के बाद पुलिस कार्यवाही करत गए, जहां एक थे बोलेरो गाड़ी में 6 पेटी शराब जब्त की गए हैं। ये गाड़ी में 4 जने बैठे रहे, जहां सगलेन के लगे कोनों के लगे 2 तो कोनों के लगे 1 पेटी शराब मिली ही। ये थाना नादन अंतर्गत मुखबिर की सूचना के आधार पर हरबीर पटेल और चिंटू पटेल के घर से 8 पेटी शराब की कार जब्त की गई। इसमें जानकारी ली जा रही है कहाँ से शराब लाई गई है, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया। बुलेटिन की पांचवी खबर ही, जहां राज्य सरकार के सहायता से महाराष्ट्र में फंसे 16 सतना के और 15 पन्ना के श्रमिकन और उनके परिवार वालन का वापस घर पहुंचा दिया है। अपना का बताई कि मजदूर पिछले कई एक महीना से बंधुआ मजदूर बने रहे, इनका गन्ना मिल में रखा गया रहा और इनका न मजदूरी दिन जात रही और न तो घर आवे दिन रहा। वहाँ पे ये काम खेती का काम करते थे, उनको पैसा वगैरह नहीं मिला तो फिर हम लेके आए इनको, बढ़िया सुरक्षित लेके आए, कोई दिक्कत नहीं रहा। वही बुलेटिन के छठवीं खबर ही, जहाँ पंचायतन में भ्रष्टाचार तो सबे को पता है, बिना काम के ही सरपंच सचिव पैसा हजम कर जात, हम जांच नाम मात्र का होती। चुनाव होए वाले हमारे यहीं से अब गांवन में विरोध चालू होएगा है। ऐसा ने एक ठे मामला ग्राम पंचायत पटेरा के खरहरी सिमरिया से आवा है, जहां सरपंच प्रमोद तिवारी, सचिव सोहन लाल कुशवाहा और रोजगार सहायक अंकुर द्वारा ग्रामीणन पर बहुत अत्याचार किएगा, जेके जांच के मांग की गई ही। जहां नाले निर्माण के नाम पर पैसा तो निकाला गया लेकिन काम नहीं भा। अपनों देखिए नाली की का स्थिति ही और ग्रामीणन के का कहब है। ग्राम पंचायत पटेरा में 7 साल सरपंची द्वारा जो 7 वर्ष सरपंची के बीत गए, उसमें जितने भी कार्य किए गए हों, चाहे वो PCC का हो, चाहे नाली का हो, चाहे जाए का हो, चाहे आदिवासी भाई का हो, चाहे जिस भाई का हो, उसकी सबकी जांच कराई जाए। सबकी जांच करा के सरपंच, सचिव,
सहायक सचिव जो भी हैं उनके द्वारा यदि उन्होंने गलत किया है तो उनके कार्रवाई की जाए। उन्होंने शासन से पैसे तो निकाल लिए, पैसे निकालने के बाद गरीब भाई का बंधु का किसी का भी कार्य नहीं हुआ। बुलेटिन की अगली खबर रीवा से है, जहां चौराहटा में बतावा जात लागा है कि कोनो विवाद के मुख्य जड़ जल जमीन और जोरू हो तमा। कई एक बेर नासमझी के कारण बड़ी घटना घटित हो जाती। ऐसा एक मामला चौराहटा के चौरा गाँव में देखे का मिला है, जहाँ दुठे सगे भाई के बीच में जमीन की बंटवारा कले की विवाद चल रहा है। जौने में रोक लगावे खातिर दोनों पक्षन से पत्थरबाजी किन गए, यहाँ तक के महिला दीवार में चढ़ के गुंडागर्दी करत रही। अपनो देखी पूरा मामला। मोबाइल पुलिस का फोन कर, पुलिस काम रोके। आइतवार का पुलिस नहीं आवे, थाना बंद रहता है। आइतवार का थाना बंद रहता है। क्या आइतवार का खाल है? मर्द मर्द पत्थर, हाँ मर्द पत्थर, चल चल ये देखिए यहाँ पर ये बाउंड्री बनी हुई है। बाउंड्री जो है तो 4 साल पहले जबरदस्ती इसमें बाउंड्री का निर्माण किए हैं, जिसमें कोर्ट का स्टे होने के बावजूद भी छुट्टी टाइम में ये जबरदस्ती करके पूरा ये बाउंड्री यहाँ से वहाँ तक बनाए। आज मैं अपने घर के अंदर यहाँ बाथरूम बना रहा हूँ बाउंड्री के अंदर, इसमें भी आकर के रमान प्रसाद चतुर्वेदी और उनके लड़के उनका पूरा परिवार वहां से डंडे लेकर के पत्थरबाजी भी करते हैं, बाउंड्री में चढ़ करके घर के अंदर आकर के मारते हैं। बुलेटिन की अगली खबर रीवा से है, जहां जिला में 34वीं फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन में दुठे सेमीफाइनल मैच खेले गए। एकर फाइनल मैच 27 दिसंबर यानी सोमवार का खेला जाए। वहीं सेमीफाइनल मैच के मुख्य अतिथि समाज सेवी लखन खंडेलवाल रहे, ताध्यक्षता चीफ इंजीनियर हरभजन सिंह करें। मैच के बाद जिला फुटबॉल संघ मेडिकल कॉलेज के मेड इंडिया टीम का सांत्वना पुरस्कार दिहिन। अपना को बताई कि इन अवसर पर सैकड़न खेल प्रेमी उपस्थित रहे। बुलेटिन के अगली खबरों रीवा से ही, जहां रीवा में विप्र संघ के 5वां स्थापना वर्ष मनावागा। यह कार्यक्रम समदड़िया माल में आयोजित किएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रीवा विधायक राजन शुक्ला रहे, जबकि अध्यक्षता कलेक्टर इलैया राजा टी के साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में नेपाल से आई समाज सेवी बबीता उकेरती करें। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता मेधावी छात्र छात्रन और पत्रकारन का सम्मानित किएगा। आज मेरी आप सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि सब लोग विप्र सेवा संघ जो कार्य कर रहे हैं उनको और हौसला दे कि ये ज्यादा एकदम से विश्व भर जाए हमारी संस्कृति। बुलेटिन के अगली खबर रीवा से ही, जहां मध्य प्रदेश बाल कांग्रेस के कैप्टन लक्ष्य गुप्ता और प्रदेश प्रभारी नीर प्रजापति संयुक्त रूप से स्थानीय जीत रेसिडेंसी में पत्रकार वार्ता के आयोजन करें। जोनी में बताएं कि बाल कांग्रेस के गठन कई के नवयुवकन का भारतीय संस्कृति और इतिहास से परिचित करेंगी। रीवा की मेंबरशिप 500 से ऊपर हो चुकी है। 14 नवंबर को जब भोपाल में इसका गठन हुआ था, तब यहां पर बंगू अंकल और रवि भैया और सब लोगों के सहयोग से उसी दिन 300 से ज़्यादा मेंबरशिप उसी दिन हो चुकी थी, और उसके बाद से लेकर अभी तक 500 से ज़्यादा मेंबरशिप हमारी पूरी हो चुकी है रीवा में। बाल कांग्रेस गठन पे भाजपा द्वारा कुछ आरोप भी लगाए गए थे कि जाति से रिलेटेड, इसमें मैं आपको बताऊं, देखिए जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते, ऐसी एक कहावत है। और आप सामने उंगली उठाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि अंगूठा और 3 उंगलियां भी अपने तरफ आ जाती हैं। बुलेटिन की आखिरी खबर ही रीवा से, जहां प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय शांति धाम झिरिया रीवा में राष्ट्रीय मीडिया सेमिनार के आयोजन किएगा, जौने में वर्तमान परिस्थिति के चुनौती से निपटे खेतिर मीडिया के अहम भूमिका का बतावागा और उनका सम्मानित किएगा। जौने में रीवा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के साथ अन्य कई लोग मौजूद रहे। हमारे आदरणीय अतिथियों का, कुल सचिव जी का, आदरणीय मधुकर द्विवेदी जी, इधर देखिए आप, आगे जाइए, सभी दीप प्रज्वलन वो केक कटिंग सेरेमनी में सहयोग देंगे। आई श्रीमती अनिता पांडे, डॉक्टर रमाकांत द्विवेदी जी को बुलाया है उनको सुनने के लिए, तो आज हम सभी उनसे सुनेंगे और हम सभी सदा सुनते हैं। जो ये लिखता पत्रों के माध्यम से
आज के बघेली के समाचार यहीं तक। कल फिर प्रस्तुत हो खबरन के साथ। नमस्कार।